अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज जो मेरा टॉपिक है कि परपाल ओयू से इंडेक्स में डिपॉज़िट किस तरह करते हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी मैं आपको सिखाता हूं और बताता भी चलूँगा के इंडेक्स से या इंडेक्स में एक्सएलटी को परपाल से कैसे डिपॉज़िट करते हैं। तो दोस्तों ये है इंडेक्स का अकाउंट, मैं इसको खोलता हूँ। ये इंडेक्स का अकाउंट है, यहाँ पे हम जाते हैं असिस्ट पे। असिस्ट पे आ गए, यहाँ पे हम डिपॉज़िट को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सर्च में लिखेंगे एक्सएलटी, ये आ गया। इसकी हमने की कॉपी करनी है, ये की हमने कॉपी कर ली, ये कॉपी हो गई। अब हम जाते हैं परपाल के अकाउंट में जहाँ पे हमारे असिस्ट पड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पे जाके हम एक अकाउंट को खोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 20 एग्जाल्ट है। हम जाते हैं ट्रांजैक्शन पे, ट्रांजैक्शन के बाद हम जाते हैं विड्रा पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास तो यूएसडीटी नहीं है और ना पीआरपी है, तो लिहाजा हम एग्जाल्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, जितने भी आप कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। उस पर आता है 1 XLT, उस पर फी आती है। तो मेरे पास अभी बच जाएंगे तकरीबन 9 XLT। तो वो की मैंने वहाँ से कॉपी की, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, अब मैं विड्रा का ऑप्शन लगाता हूँ। ये आपको कोई मैसेज नहीं देगा कि आपकी विड्रा हो गई है। तो लिहाजा आप लोगों ने किस तरह चेक करना है, आप लोगों ने पेज को फ्रेश करना है, पेज को मैंने फ्रेश किया, लॉगआउट हो गया। अभी हम दोबारा से जाते हैं वहाँ पे, चेक करते हैं। सिस्टम अभी बहुत स्लो हो रहा है, तो दोबारा से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने एक्सएलटी बैलेंस में। मेरे पास 9 रह गए, एक उसने वो काट लिया। ट्रांजैक्शन पे आते हैं, यहाँ पे विड्रा देखते हैं। विड्रा मेरी क्या है, पेंडिंग है, एक महीने की थी, $10 10 XLT वो हो गई थी। यहाँ पे शो होता है स्टैचू में, यहाँ से ये पेंडिंग का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है जब ये विड्रा हो जाता है। तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेता है विड्रा में, तो आप लोगों को वेट करना होगा, या पेज या ग्रुप को या परपाल ओयू की जो अपने अकाउंट है लॉगआउट लॉगिन करना एक बार लाजमी होगा। यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं, वहाँ से मैंने की कॉपी कर दी, परपाल ओयू के विड्रा में मैंने वो की पेस्ट कर दी। तो यहाँ से मेरे जो XLT है वो कट गए लाजमी। तो यहाँ पे हम दोबारा आके चेक करते हैं विड्रा, यहाँ विड्रा पे हम आ गए। यहाँ से हम देखते हैं पेंडिंग है, तो हम लोगों को 15-10 मिनट वेट करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे स्टैचू में पेंडिंग ख़त्म हो चुकी है। तो वैसे तो विड्रा का जो लिमिट है, आप जितना भी कर चाहे आप कर सकते हैं। विड्रा का जो ड्यूरेशन राना नुमान की तरफ से जो इशू हुआ है वो तकरीबन 24 आवर है, मतलब 24 घंटे में
आपकी जो यहाँ से विड्रा का पेंडिंग ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अभी सिस्टम पे विड्रा का बोझ नहीं है, तो तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में हो जाता है और आपको इंडेक्स में मौसूल हो जाता है। तो डियर यूज़र, चलो अभी हम देखते हैं कि ये हमें इंडेक्स में रिसीव हुआ है कि नहीं। आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि मेरे पास 17 XLT थे। अभी हम देखते हैं कि मेरे पास कितने XLT आ गए हैं। विड्रा अभी जो भी लगाना चाहता है उसको जल्दी जल्दी मिल जाता है, ऐसा ना हो कि जब भी रेट बढ़ जाए और उस टाइम पे विड्रा का बोझ बढ़ जाए और आप लोगों की विड्रा पेंडिंग शायद उसमें एक दिन भी लग जाए या आधा दिन भी लग जाए, दो दिन का भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम उसका कुछ पता नहीं चलता। तो अभी हम जो असिस्ट है उसको अभी हम चेक करते हैं। यहाँ से हम दोबारा से निकलते हैं और इंडेक्स में फ्रेश होके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे असिस्ट है वहाँ पे हमें मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो अभी जो सिस्टम ऑन है, अभी ये सिस्टम शायद लगता है कि नेट स्लो है। तो अभी हम असिस्ट में चेक करते हैं कि ये हमें मौसूल हुए कि नहीं। जैसा कि मैंने आप लोग शायद वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा गौर से देख लेते कि मेरे पास 17 XLT थे, अभी मेरे पास 27 है, ये आप लोग देख सकते हैं 27। असिस्ट में देखते हैं दोबारा से कि कितने हैं 27। ये आप लोग देख लें, मेरे पास 27 XLT है। तो डियर यूज़र, मेरे कहने का और मुझे ये वीडियो अपलोड करने का ये मकसद था कि आप लोग के पास जितना XLT बैलेंस में आता है आप लोगों ने डायरेक्ट अपने इंडेक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही रेट बढ़ता जाएगा उसी दौरान विड्रा भी ज़्यादा होती जाएगी परपाल OU से, जो उस टाइम सिस्टम पे लोड बढ़ता जाएगा तो आप लोग के शायद विड्रा पे टाइम लगे। तो सराना अनुमान की तरफ से तो तकरीबन 24 घंटे का बताया है, तो शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो कोशिश करें जितने भी आप लोग के साथ नेक्सल्ट XLT बैलेंस में आता जाए आप लोग इंडेक्स में उसको ट्रांसफ़र करते जाए। तो थैंक यू डियर परपाल यूज़र्स और मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। आज की मेरी वीडियो परपाल OU से इंडेक्स में विड्रा के मतलब थी। तो उम्मीद है कि सब लोगों को विड्रा का जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।